इस वीडियो में आप इसबगोल के 8 फायदे जानोगे, जैसे कि लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, दिल की बीमारियां, वेट लॉस, एस्थमा, दांत की दर्द और बलगम। लूज मोशंस, इसबगोल एक कमाल की चीज है जो लूज मोशन आने पर भी फायदा देता है और कब्जी होने पर भी फायदेमंद है। अगर तो लूज मोशंस हैं तो 3 चम्मच इसबगोल लीजिए और इसको 6 चम्मच दही में मिक्स कर लीजिए और इसे रात के खाने के बाद सोने से पहले खा लीजिए। आपका पेट ठीक हो जाएगा। आप इसे दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के केस में आपने 2 चम्मच इसबगोल को गर्म दूध के साथ लेना है। आप 1 बड़ा कप दूध ले सकते हैं। इसको रात को सोने से पहले लेना है। अगर दूध घर में ना हो तो गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। दूध में थोड़ी सी चीनी डाल लें तो ज़्यादा फायदा होगा। एसिडिटी, 2 चम्मच इसबगोल को 1 कप दूध में मिक्स करके जब भी आपको एसिडिटी की फीलिंग हो, जलन महसूस हो, आप उसी समय ले सकते हैं। आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा पानी या दूध गर्म ना हो, ना ही इसमें बर्फ डालनी है। सिंपल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। दिल की बीमारियां, आप इसबगोल को वैसे ही प्रिकॉशनरी रोज पानी के साथ ले सकते हैं। 1 चम्मच 1 कप नॉर्मल पानी में मिक्स करके आप दिन में 2 बार पीजिए। इसबगोल पानी में या दूध में मिक्स होके फूल जाता है, यानी एक गाढ़ा लिक्विड बन जाता है। वही लिक्विड ही कमाल करता है। ये बॉडी में से कई कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ अपने में घोल लेता है और स्टूल के रास्ते पेट से बाहर चला जाता है। वेट लॉस, क्योंकि ये पानी में फूल जाता है इसलिए खाने से पहले लेने से ये पेट में फुलनेस की फीलिंग देता है और ज़्यादा खाने से आप बच जाते हो। इसके 2 चम्मच गुनगुने पानी में 1 नींबू डालकर ले सकते हैं। अगर आप रोज 1 ग्लास सुबह गुनगुना पानी प्लस 1 नींबू प्लस 1 चम्मच शहद और उसमें 1 चम्मच इसबगोल लेना शुरू कर दें तो आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियाँ वैसे ही ठीक हो जाएंगी एंड आने वाली बीमारियों से भी बच जाओगे। दांत की दर्द, अगर दांत दर्द कर रहा हो तो इसबगोल आपके लिए वरदान है। आप थोड़ा सा इसबगोल लेकर उसमें थोड़ा सा सिरका मिक्स कीजिए और उसे दांत पे लगाइए जहां दर्द हो रहा हो, आपको आराम मिलेगा। एस्थमा, रिसर्च कहती है कि एस्थमा पेशेंट्स अगर 2 चम्मच इसबगोल को गुनगुने पानी के साथ रोज सवेरे लेते हैं तो उनको काफ़ी राहत मिलती है। बलगम, अगर चेस्ट ब्लॉक्ड है, बलगम जमी हुई है तो भी ये इसबगोल उसको लपेट कर स्टूल के रास्ते बाहर निकाल देगा। ऐसे में आपने दिन में 2 बार 1-1 चम्मच इसबगोल को गुनगुने पानी में लेना है। ये सब घरेलू नुस्खे हैं। अगर आपको इसबगोल किसी भी तरह सूट ना करे या एलर्जी करे तो मत लीजिएगा। अदरवाइज़ ये पूरी तरह सेफ है, लेकिन इसे किसी भी हालत में बिना पानी या दूध में मिक्स किए नहीं लेना है। हर बार इसका लिक्विड बना के ही लेना है। ये आपको करियाना शॉप से भी मिल जाएगा और केमिस्ट शॉप से भी मिल जाएगा। सिर्फ फेमस ब्रांड ही लीजिए, जैसे कि डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, टेलीफोन एंड डियर ब्रांड एक्सेट्रा। सो इसबगोल खाइए और इसके गुणों का आनंद लीजिए। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड।